मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर पत्थरबाज लुटेरों से परेशान पुलिस को बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई है। वहीं पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 लुटेरे गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों सहित 7 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। SP देहात त्रिगुण बीसेन ने बताया कि मथुरा के थाना जमुनापार मार्ट सुरीर और SOG टीम यमुना एक्सप्रेस वे सर्विस रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान कुछ बदमाश खड़े दिखाई दिए। पुलिस ने जब बदमाशों से मारपीट की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज प्रातः लगभग 3:30 बजे किलोमीटर संख्या 101 पर थाना माठ की पुलिस, सुरीर की पुलिस, जमुनापार थाने की पुलिस तथा SOG टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक्सप्रेसवे के पर लूट करने वाले 3 बदमाश घायल हुए हैं। इन बदमाशों के नाम राहुल बोसू और जल सिंह हैं तथा इनके 4 अन्य साथी लुच्चा, पुच्ची, अशफाक और अजय मौके से गिरफ्तार हुए हैं। घायल बदमाशों को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके से 4 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं तथा इनसे, इन बदमाशों की जब चेकिंग की गई तो इनसे 2 सोने की अंगूठी, जो कि दिनांक 29 मई को लूटी गई थी, तथा 5,000 रुपये बरामद हुए हैं तथा दिनांक 1 जून की जो लूट इन्होंने करी थी गाड़ी से, उसका लैपटॉप 10,000 रुपये व ATM कार्ड इत्यादि बरामद हुआ है। इन बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश TV और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश TV।